हम हेल्पर टू सुपरवाइजर यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि हमको ये मसला है, 3 साल से तनख्वाह नहीं है। रोज़ रोज़ हम यहाँ आते प्रोटेस्ट करते हुए, आपने देख आप देखते हैं हमको, लेकिन गवर्नमेंट को ये तासी मासी नहीं होता है, हमारा मसला ही नहीं देखता है। फिर हम इसलिए गए कोर्ट में, कोर्ट ने हमको सिटे आरत दिया। अब ये नोटिस पहुँचा हमारे डिपार्टमेंट को, फिर हम 20 दिन इंतज़ार करते हैं, हमको बुलाएंगे, हमारा मसला हल करेंगे, लेकिन नहीं किया। आज हम फिर मजबूर हो गया प्रेस कार्यालय में आने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए, क्योंकि ताकि ये बात गवर्नर साहब को पहुंच जाएगी और फारूक खान को पहुंच जाएगी, तो हम ये हमारा मसला हल करेंगे। नहीं करेंगे तो हम आगे यहाँ पर रात को भी प्रोटेस्ट करेंगे। आज तो हम हलने डुलने वाले नहीं है, आज हम यहाँ ही बैठेंगे 8 बजे तक, क्योंकि हम मजबूर हैं, हम बहुत गरीब है, इसमें बहुत बेबस है, इसमें कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। अब हम तो एक बार नहीं आया, तीन साल से हम प्रोटेस्ट करते हैं, 3 साल से यहाँ पर हम आते हैं, क्या क्यों नहीं सुनते हमारे बात, क्या करेंगे हमारे साथी, क्या करेंगे आप बोलो। क्या फारूक खान को माँ बहन नहीं है, वो हमारी बात नहीं सुनती है, क्यों नहीं सुनेंगे हमारी बात। क्या हमने 30 साल नौकरी किया, क्या जो हमारा जो जज था वो क्या उसने हमारा आर्डर नहीं देखा, उसने सब कुछ देखा, तभी हमको सिटे आर्डर मिला। तो अभी जो आपके लिए जो आर्डर निकाला गया था, जिसमें बताया गया था कि ये इलीगल एंट्रेंस है, उसके बाद कोई डेवलपमेंट हुई आप? नो सर, कुछ नहीं हुई, कुछ नहीं। उसके बाद हम गए कोर्ट में किए, कोर्ट वालों ने देखा सब आर्डर, कम से कम हम 350 लड़कियां है, 350 लड़कियों को देखा उनने कोर्ट आर्डर, ताकि वो भी उसके उसके वो भी कुछ भी नहीं करे, तब भी नींद से है।